हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से गणपति व्लॉग चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज है हमारे घर में सूरज जी का उद्यापन, दीदी का। तो अभी दिखाते हैं आपको हमने क्या क्या तैयारी करी है। तो ये था, हाँ तो दिखाती हूँ मैं आपको। सूरज रोटा भी बनाया हमने। ये कुछ इस तरह से दो सूरज रोटे बनाए हैं, एक ये और एक ये। और ये देखो, और उद्यापन है, उन दीदी से आपको मिलाती हूँ। और ये देखो, ये भोजनों के साथ आए आप तो। चलो कौन कौन है दिखाओ, आपके दादी दादा कहाँ पे। पहले दादी दिखाओ, चलो जल्दी बताओ दादी कहाँ है। अच्छा पता ही नहीं आपको। और हमारी इन दीदी का आप सही देख रहे हैं, ये बाद में ओढ़ लेना पहले अपने कार्य में। और ये हमारी कहानी की तैयारी है। और ये अम्मा की फ्रेंड है, ये अम्मा है, है? दोनों ही बहू। अच्छा ये दोनों बहू हैं अम्मा की, मैंने आज पहली बार देखा दोनों बहू को। तो यहाँ पर कहानी स्टार्ट करने से पहले सभी जो 8 महिलाएं हैं उनके तिलक किया कर रहे हैं। और ये दीदी हैं जिनका उद्यापन है। और हम सब जो 8 इनकी गौरणियाँ हो गई, मतलब जो 8 हैं महिलाएं, वो उनके इनको खाना खिलाएंगे। सबके तिलक कर रहे हैं, फिर मौली बांधेंगे। और जो पूजा में है वो गेहूं है और गुड़ है। तो सब अपने हाथों में बाएं सीधे हाथ में 8-8 दाने रखेंगे और गुड़ का थोड़ा सा दाना रखेंगे। और फिर कहानी स्टार्ट करते हैं। तो कहानी सुनने के लिए हमें समी का पेड़ या खेजड़ी का पेड़ की जो पत्तियां होती हैं उनकी ज़रूरत होती है। तो वो हमने एक कटोरी के अंदर रख रखी है। और कहानी कुछ इस तरह से है। कहानी में दो माँ बेटी होती हैं। तो माँ और बेटी दोनों साथ साथ रहते हैं और बेटी कुंवारी होती है। तो एक दिन माँ बोलती है उसको कि जाओ कि बेटी मैं तो ये जो बकरियाँ हैं ये चराने जा रही हूँ, और आज रविवार है, सूरज जी का 2 रोटे बनाने हैं, एक तेरे लिए एक मेरे लिए, तो बना लेना, फिर मैं आकर के सूरज जी के अर्घ दे करके और खाना खाएंगे। तो उसने कहा कि ठीक है माँ। फिर उसने 2 रोटे बनाए जो मैंने अभी आपको दिखाए वैसे, और बना करके और रख दिए। इतने में ही एक साधु बाबा आते हैं और उनसे भीख मांगते हैं कि भिक्षा में कुछ डाल दो। तो उन्होंने कहा बाबा जी आज तो हमारा व्रत है, तो हमने 2 ही रोटे बनाए हैं, तो आज तो मैं आपको नहीं डालूंगी, आप कल आके ले जाना। तो बाबा जी बोलते हैं नहीं, मुझे तो आज ही चाहिए। और वो जिद करने लगे। उसने बेटी ने सोचा कि चलो मैं एक जो रोटा है उसमें से टुकड़ा तोड़ के बाबा जी को दे देती हूँ, और उसने दे दिया। शाम दोपहर को उसकी माँ घर पे आई तो उसने कहा लाओ अब अर्घ दे लेते हैं सूरज भगवान के। तो जैसे ही पकड़ाया तो बोली कि ये क्या हुआ, तूने मुझे टुकड़ा टूटा हुआ रोटा कैसे दिया। तो उसने कहा कि एक बाबा जी आए थे और वो जिद करने लगे, इसलिए मेरे को आपके जो रोट है उसमें से टुकड़ा देना पड़ा। लेकिन वो तो नहीं बोली, मैं तो मेरा ही दे, मेरा दे, पूरा दे, रोटा दे पर मेरा दे, ऐसे रट लगा दी। तो उसने कहा कि चलो तुम है ना ये मेरे को दे दो, तुम पूरा खा लो। तो बोली नहीं मुझे तो मेरा ही दे, लेकिन पूरा दे पर मेरा दे, ऐसे मतलब रट लगा दी। तो बेटी उससे परेशान हो गई और माँ की मानसिक स्थिति ख़राब हो गई। तो बेटी जब भी दिखती तो माँ से ही बोलती कि मेरा दे पर पूरा दे, पूरा दे पर मेरा दे। तो इस तरह से बेटी उससे परेशान हो गई। तो माँ पागल हो गई ऐसे करते करते। तो उसने वहाँ से निकल गई और एक पीपल के ऊपर जा कर के बैठ गई और भगवान सूरज भगवान को अपना आराध्य मानकर उनकी पूजा करने लगी। तो भगवान ने देखा कि ये परेशान हो रही है, तो उन्होंने उसको दोनों टाइम खाना भेजना स्टार्ट कर दिया। अब जैसे खाना स्टार्ट कर दिया तो एक दिन वो अपना खाना खा करके और जैसे ही हाथ धोने लगी तो पानी नीचे गिरा। और उसी समय जो देश का राजकुमार था वो शिकार खेल करके उस पेड़ की छाया में आकर बैठा था, तो उसके ऊपर आके पानी गिरा। तो उसने ऊपर देखा तो ऊपर एक औरत थी, वो डर गया कि ये कोई भूत पिशाचनी है क्या। तो उसने आवाज़ लगाई भाई तू कौन है, भूत भूत पिशाचनी है
तो उसने कहा कि न तो मैं भूत पिशाचनी हूँ, न मैं कोई प्रेतात्मा हूँ, मुझे तो भगवान सूरज जी की वजह से मैं यहाँ बैठी हूँ। तो उसने कहा कि तुम नीचे आओ, तो वो नीचे उतरी, तो और उसके रूप को देख करके राजकुमार मोहित हो गया और उसको ले जा करके अपने देश ले जाकर उससे शादी कर ली। शादी करने के बाद सुख दिन से व्यतीत होने लगे, सुख दिन सुखी रहने लगे, तो बच्चे भी हो गए, राजकुमार हो गए। तो एक दिन सुबह सुबह आवाज़ आई कि पूरा दे पर मेरा दे, रोटा दे पर मेरा दे, ऐसे करते करते तो उसने देखा ये तो मेरी माँ है। तो उसको जल्दी से नौकरों को आदेश दिया कि इसको अंदर ले आओ, तो वो अंदर लेके आए। और माँ ने जब अंदर देखा तो उसको वो सोची ये कौन है, तो उसने अपनी माँ को बता दिया कि मैं वही हूँ। तो वो फिर रट लगाने लगी, इस तरह रट लगाते लगाते तो उसको रानी को फिर गुस्सा आ गया, उसने उसको काल कोठरी में डाल दिया। और काल कोठरी में डालने के बाद उसको दोनों टाइम खाना खाने देने लगी। अब राजा को पता चला कि ये कौन ये कोठरी में कुछ दे के आती है, तो उसने कहा खोल इसको। जब खोला तो उसके अंदर से जो राजकुमार जो उसकी माँ थी वो एकदम सोने की बनी हुई थी। और राजा ने पूछा ये किस ये कहाँ से आई, तो उसने पूरी बात बताई। फिर उसने कहा कि ऐसा ससुराल तो मैं देखना चाहूँगा, मैं तो ऐसे ससुराल में जाना चाहूँगा। तो राजकुमार रानी ने कहा चलो, तो भगवान सूरज से प्रार्थना की भगवान ससुराल दिखाओ। तो भगवान ने कहा कि मैं 1.25 का तुम्हें ससुराल दिखा दूंगा, क्योंकि सुबह तो फिर मुझे उगना पड़ता है। तो जैसे जैसे वो ससुराल शानदार सा ससुराल दिखा दिया। अब जैसे ही चौथा पहर बीता तो राजा तो वहाँ से हिलने को ही तैयार नहीं हुआ। तो उसने फिर अपनी जो रानी है जो रानी रानी ने राजा को कहा कि आप यहाँ अब चलो यहाँ से, तो राजा मना करने लग गया। तो उसने कहा कि नहीं चलो, तो जो फिर वो नहीं माना तो उसे बच्चों के चूटे भरना चालू कर दिए। तो बच्चे रोने लगे, बोले महाराज इनको तो ना यहाँ जची नहीं रहा, चलो जल्दी जल्दी। वो जाने लगे तो आधी दूर आते राजा ने कहा अरे मेरी जूती तो वहीं रह गई। तो उसने एक दास को भेजा, दास जाके देख रहा तो एक आंकड़े के पेड़ में जूती टंगी हुई थी। वो आकर बोला महाराज ये तो कोई जादू है, जादूगरनी है। तो राजा ने तलवार निकाली और बोला बता क्या हुआ। तो उसने पूरी बात बताई कि महाराज आपने मेरे को पीपल के पेड़ से लाए थे और मेरी माँ ने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया था। इस तरह से जब उसने राजा को पूरी स्टोरी बताई कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ था, मेरी माँ की वजह से मैं पीपल पे आके बैठी और पीपल से उतार करके आपने मेरी से शादी करी, और इस वजह से ये सूरज भगवान का जो 1.25 का स्पीयर था उसने भगवान ने मुझे दिखाया, क्योंकि अगर वो पूरे दिन सूरज जो 5वें पहर से अगर वहाँ से नहीं हटते तो दुनिया में तहलका मच जाता कि सूरज भगवान आज आए कैसे नहीं। इसलिए हे भगवान, हे पतिदेव, ये मेरे जो सूरज जी का मैं व्रत करती थी उसका ही फल है। इस कारण से आज जो मैंने आपको 1.25 का आपका ससुराल दिखाया है वो भगवान सूरज की कृपा से हुआ है। तो हे सूरज भगवान, सभी को ऐसे ससुराल मिले, कहते सुनते सभी को खरा बढ़ते अपने पूरे परिवार को।